तो बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वेले की अहम खबर के नाल। बिक्रम सिंह मजीठिया आज मोहाली कोर्ट के सामने पेश होंगे। दस दें कि सुप्रीम कोर्ट वालों दी जमानत की म्याद खत्म हो गई है, जिस तो बाद आज एक बार फिर तो वो मोहाली कोर्ट के सामने पेश होंगे। पेश होने तो बाद मुड़ तो वो जमानत अर्जी लगा सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वालों जो जमानत की म्याद जी दी गई थी वो खत्म हो रही है। अज एक बार फिर वो पेश होंगे मोहाली कोर्ट के सामने। पेश होने तो बाद मुड़ तो जमानत अर्जी लगा सकते हैं। ड्रग्स केस में मजीठिया से केस दर्ज किया गया था। दस दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट तो राहत मिली सी। सुप्रीम कोर्ट ने चोणा तक राहत जड़ी है वह बिक्रम सिंह मजीठिया ने दी सी। म्याद जड़ी है अज खत्म हो रही है, जिसनों लैके अज एक बार फिर तो मोहाली कोर्ट के सामने वह पेश होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दस दी कि चोणा तक राहत दी सी। तो अज मोहाली कोर्ट के सामने एक बार फिर बिक्रम सिंह मजीठिया पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट वालों दी जमानत की म्याद खत्म होने तो बाद मुड़ तो पेश होकर वो अपनी जमानत अर्जी जड़ी है वो लगा सकेंगे। तो ड्रग्स मामले में मजीठिया से केस दर्ज किया गया सी। हालांकि जो तो यह मामला सामने आया उस तो बाद तो ही बिक्रम सिंह मजीठिया उन्होंने वकीलों वालों सरकार से पोलिटिकल वेंडेटा तहत मामला दर्ज करने की दलील दी गई। हालांकि इस लैके कोर्ट ने उन्होंने राहत दी सी। चोणा तक राहत जड़ी है सुप्रीम कोर्ट वालों दी गई सी। अज एक बार फिर तो मोहाली कोर्ट के सामने वो पेश होंगे। दलजीत साढ़े नाल जुड़ चुके, उन्होंने तो जानकारी लेने। दलजीत, जिस तरह के नाल म्याद हुन खत्म हो रही है, सो अज एक बार फिर तो बिक्रम सिंह मजीठिया जड़े ने पेश होंगे, की कुछ जानकारी है, किस वेले पेश होंगे? बिल्कुल राला, देखो सुप्रीम कोर्ट वालों जो 31 जनवरी विक्रम मजीठिया नशा तस्करी मामले के 23 फरवरी तक जी की एक वड्डी राहत दी सी, गिरफ्तारी से रोक लगाई थी। निर्देश दिते सी कि 23 तरीक तो बाद जिहड़ा गा निचली अदालत के विच पेश होकर अपनी जी की पक्की जमानत जी की लगा सकते हैं। सो अज जी कल इन्हां दी जी 23 फरवरी जी की यह म्याद खत्म हो चुकी थी। तो अज कदे भी जिहड़ा गा विक्रम सिंह मजीठिया जिहड़े मोहाली की अदालत के विच पेश होकर जिहड़ा गा अपनी जी की पक्की जमानत जी की लगा सकते हैं। दस दिए कि जिहड़े विक्रम मजीठिया के वकील सीगे उन्हां दा यही कहना सीगा, सुप्रीम कोर्ट के विच भी यही दलील दी सी कि जिहड़ा पूरा मामला हैगा चोणा नाल प्रेरित है, राजनीतिक तहत मामला उन्होंने उपर जिहड़ा दर्ज किया जाएगा। जिहड़ी की दलील सुनने तो बाद जिहड़ी की विक्रम मजीठिया नूं जिहड़ा 23 फरवरी तक एक वड्डी राहत दित्ती सी, निचली अदालत के विच पेश होने वास्ते कहा गया सीगा। बिल्कुल, और बहुत अहम होएगा देखना कि अगे हुन की इस मामले दे विच होंदा है, क्योंकि अज एक बार फिर तो जरूर जमानत अर्जी जड़ी है पेश करेंगे। इस पूरे मामले विच जिवें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिते सी कि उह निचली अदालत दे विच पेश होकर जिहड़ा अपनी पक्की जिहड़ी की जमानत होर लगा सकेंगे। सो अज इसी नूं लेके जिहड़ा अज विक्रम मजीठिया खुद जिहड़े मोहाली की अदालत दे विच अपना जिहड़ा पेश होणगे ते अपनी जिहड़ी की पक्की जमानत जिहड़ी की लगाणगे। दस दिए कि पहलां ही जिहड़ा शुरू तो ही जिहड़े कि इन्हां दे वकील हैगे उन्हां वल्लों ही दलील की जा रही है कि यह मामला जिहड़ा गा राजनीतिक प्रेरित जिहड़ा गा नाम दर्ज किया गया, क्योंकि इस मामले दे विच जिहड़े मामले च पहलां ही सुनवाई के अदालतों के हो चुकी हैगी, उन्होंने मामलों के जिहड़ा यह विक्रम मजीठिया चोणा देखते हुए यह मामला जिहड़ा दर्ज किया गया है। सो अज देखना होगा कि अदालत की इन्होंने विक्रम मजीठिया वकील दलील देंगे ने अदालत वालों उन्होंने की फैसला सुनाया जाता है। जी जी दलजीत, शुक्रिया फिलहाल की सारी जानकारी, थोड़े तो अपडेट अज लवेंगे, जिस तरह अज एक बार फिर तो पेश होंगे मोहाली कोर्ट के सामने, और देखना होगा कि अज जो पेश होंगे ने की कुछ कोर्ट की कार्रवाई रहती है।